बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम असदुल्ला, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिजिक्स एट डीपीएसएन इंटर कॉलेज साहिबा। आई वेलकम यू ऑल टू आवर डिजिटल क्लासेस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। सब्जेक्ट फिजिक्स, नाइन्थ क्लास, लेक्चर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू। हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर एग्जांपल 2.2 है। प्रीवियस क्लास में आपने कुछ टर्म्स को स्टडी किया था, जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ही स्केलर्स। A scalar quantity is described completely by its magnitude only. एक scalar quantity ऐसी quantity होती है जिसको completely describe करने के लिए उसकी सिर्फ magnitude की जरूरत होती है। Examples: distance, mass, length, time, speed, volume, work or energy. ये तमाम quantities ऐसी quantities हैं जिनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए। नेक्स्ट वेक्टर्स। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स: वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्स्ट्रा। ये तमाम क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं, अगर हमने इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो हमें इनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। व्हेन डीलिंग विद मोशन वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म सच एज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, इट्स स्पीड एंड सो ऑन। लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्म्स यूज। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है या वो मूव कर रही होती है तो उसकी मोशन के दौरान उसकी पोजिशन भी चेंज होती है, वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करती है और उसकी कुछ स्पीड भी होती है। तो इन तमाम टर्म्स को हम नेक्स्ट डिस्क्राइब करेंगे। पोजिशन। The term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point called origin. For example, you want to describe the position of your school from your home. Let the school be represented by S and home by H. The position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction from H to S as shown in figure 2.16. मिसाल के तौर पे आप अपने स्कूल की पोजीशन को अपने घर से डिस्क्राइब करना चाहते हैं। स्कूल को S से रिप्रेजेंट किया गया है और होम को H से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्कूल की पोजीशन को बताने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा और वो रेफरेंस पॉइंट आपका होम होगा। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट चूज नहीं करेंगे तो हम अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। हमने होम से स्कूल एस तक एक लाइन ड्रॉ की जो कि एच एस है। स्कूल की होम से पोजीशन को हम लाइन एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन के आगे ये एरो हेड ये बताता है कि स्कूल होम से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लोकेट कर रहा है। तो किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए जरूरी है कि कोई रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मौजूद हो। डिस्टेंस। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। फिगर 2.17 शोज अ कर्व्ड पाथ। लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन इट, देन एस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हमने एक कर्व्ड पाथ को कंसीडर किया
जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और इस कर्व्ड पाथ के ऊपर हमने दो पॉइंट चूज कर लिए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। हमने ए से बी तक पहुंचने के लिए एक पाथ कंसीडर किया और उस पाथ को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये जो ए से बी तक एक पाथ है, जब हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं तो उस लेंथ को हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एक पाथ कवर किया और उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। ये जो लेंथ ऑफ पाथ है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस तरह हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी कुछ डायरेक्शन भी होती है। कंसिडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलॉन्ग द कर्व्ड पाथ, जॉइन पॉइंट्स ए एंड बी बाय अ स्ट्रेट लाइन। हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं जो कि पॉइंट ए से बी तक मूव करती है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन को हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। It is a vector quantity and is represented by d. अब हमने क्या किया कि इस curved path के ऊपर जो दो points a and b हैं, हमने उनको एक straight line के जरिए join कर दिया और ये straight line इन points a और b के दरमियान shortest distance है। अगर जो shortest distance है a और b के दरमियान, वो हमने इस red line से represent किया हुआ है। और ये जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान लिया है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस लाइन के आगे एरो लगा देते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ इन दो पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, और हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी। अब अगर हमने ए से सी तक जाना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए से बी तक जाएं और फिर बी से सी तक जाएं। तो हमने ए से बी तक, बी से सी तक एक पाथ कवर किया और उस पाथ की कुछ मखसूस लंबाई होगी। ए से बी तक 4 मीटर है और बी से सी तक 3 मीटर है। अगर हम इन दोनों को सम अप कर दें तो 4 + 3 ये टोटल 7 मीटर आ जाएगी। तो ए से सी तक जाने में हमने एक पाथ चूज किया जिसकी लंबाई 7 मीटर है, तो ये हमें लेंथ ऑफ पाथ मिल गई। तो ए से सी तक जो लेंथ ऑफ पाथ होगी उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। लेकिन अगर ए और सी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए जो कि शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन पॉइंट्स ए और सी, इसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। ये याद रहे कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। In other words, the distance moved by an object in unit time is its speed. This unit time may be a second, an hour, a day or a year. किसी भी object की जो speed होती है वो हमें ये बताती है कि वो body किस rate से move कर रही है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी body की unit time में जो distance cover होगा उसको हम नाम देंगे speed का। और ये unit time एक second भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है और एक साल भी हो सकता है।
डेली लाइफ में चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो उसका जो स्पीड का मीटर होता है वो किलोमीटर पर आर में होता है, और इसकी स्पीड भी वेरी कर रही होती है। एक स्केल बना होता है जिसपे 20, 60, 80, 100 एंड 100 मेंशन किया होता है। अगर किसी बॉडी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी तो इसका मतलब होगा कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय कर रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। टाइम को इस साइड पे ले जाके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, स्पीड को वी से और टाइम को टी से। हियर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वी इज इट्स स्पीड एंड टी इज द टाइम टेकन बाय इट। डिस्टेंस इज अ स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है तो स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड तब पोजेस करेगी जब वो टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करती है तो वो नेक्स्ट 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करती है, उससे अगला जो 1 घंटा होगा उसमें भी 60 किलोमीटर तय कर दिया, तो इस तरह उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इन इक्वेशन 2.1 वी इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम टी, इट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। जो हमने फार्मूला पढ़ा एस इज इक्वल टू वी टी, उसमें जो वी है वो बॉडी की एवरेज स्पीड है, क्योंकि एक बॉडी अगर मूव कर रही है उसकी जो स्पीड है वो तमाम टाइम के दौरान सेम नहीं रहती, वो वेरी करती रहती है, तो इसीलिए हम वी को एवरेज स्पीड कंसिडर कर रहे हैं। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज द सेम वैल्यू देन द बॉडी इज सेट टू पजेस यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर एक बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही बल्कि कॉन्स्टेंट है तो तब उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। एग्जाम्पल 2.2 है, अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, इन दोनों की मदद से हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, टोटल टाइम टेकन 12 सेकेंड, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम और हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस मूव ओवर टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस की वैल्यू 100 मीटर, टाइम की वैल्यू 12, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्प्रिंटर की स्पीड होगी वो 8.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, पोजिशन का हमने पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड को हमने डिस्कस किया और उसके बाद एग्जाम्पल 2.2 को डिस्कस किया। पोजिशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी बॉडी की लोकेशन को इंडिकेट करती है, यानी अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, हम उस पॉइंट के लिहाज से बता सकते हैं कि कोई और चीज़ किस डायरेक्शन में लाई कर रही है। उसके बाद डिस्टेंस है, अगर कोई हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी और हम ए से बी तक कोई पाथ कवर करते हैं तो उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का।
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद स्पीड है, एक बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको उस बॉडी की स्पीड कहा जाता है। हर बॉडी की जो स्पीड होती है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है। जब वो मूव कर रही होती है इनिशियली उसकी स्पीड आहिस्ता होती है, जैसे जैसे वो तेज होती है उसी तरह उसकी स्पीड भी ज्यादा होती जाती है क्योंकि वो यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। उसके बाद हमने एग्जांपल 2.2 देखी जिसमें हमें डिस्टेंस गिवन था और टाइम गिवन था, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने स्पीड फाइंड करनी थी। तो स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई। उसके बाद होम असाइनमेंट है, इसमें एमसीक्यू शामिल है। फर्स्ट एमसीक्यू है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन स्पीड, सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन पोजीशन। सेकंड एमसीक्यू है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नेम, फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ऑप्शन डिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन लेंथ और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। थर्ड एमसीक्यू है द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन रेस्ट, थर्ड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट और डी ऑप्शन पोजीशन। फोर्थ एमसीक्यू है अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन स्पीड, सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ ऑप्शन डिस्टेंस।